जी आप बताइए अपने बारे में शानी, आप कैसे आए इस फील्ड में, कैसे आपने गाना शुरू किया, कौन कौन से और गाने गाए, लोगों को बताइए अपने बारे में। मैंने बचपन से ही इरादा किया था कि मैं म्यूजिक करूंगा, बिकॉज़ मेरी फैमिली म्यूजिक से कंपोज भी करते हैं। आप गाने? मैं कंपोज भी करता हूँ। अच्छा। और मैंने बहुत कम उम्र से 16-17 साल की उम्र से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। अच्छा। और इससे पहले मैंने काफी सारे हमारे पॉप आर्टिस्ट हैं जितने, उनका म्यूजिक मैंने प्रोड्यूस किया है। अली जफर है। अच्छा। हदीका कियानी, शक्कर भाई, जुनैद भाई के साथ कंपोज किया है। मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस किया है। म्यूजिक प्रोड्यूस करना क्या होता है? जैसे म्यूजिक अरेंजमेंट। अच्छा। जैसे अभी जो मैं गा रहा था ये वोकल मेलोडी थी। अच्छा। इसके पीछे जो हमारे जो भी जो म्यूजिशियंस है वो बजा रहे थे, वो बेसिकली इसकी म्यूजिक अरेंजमेंट बजा रहे थे। वोकल के अलावा आपको जो म्यूजिक सुनाई देता है वो म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम होता है। अच्छा अच्छा। तो आपने जितने पॉप हिट्स सुने उनमें से 50% मैंने प्रोड्यूस किए हैं। वाओ। तो वहाँ आपको प्रोड्यूस करते करते आपने कहा कि मैं सिंगर भी बन जाऊँ, और वो प्रोड्यूस करते करते एक जगह जरूरत महसूस हुई कि मुझे कंपोज भी करना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने कंपोजिशन शुरू की। हाँ। मैंने फिल्म्स का भी म्यूजिक दिया है, जवानी फिर नहीं आनी के भी गाने। कौन से वाले गाने? जवानी फिर नहीं आनी का मैंने किया था, जो एक टाइटल सॉन्ग था, खुल जाए बोतल। अच्छा, खुल जाए बोतल। उसके बाद पंजाब नहीं जाऊंगी का मैंने गाना किया था, तेरे नाल नाल रहना, तेरे नाल नहीं नहीं तेरे नाल नाल रहना, हुमायूं और महवेश पे। इसके अलावा काफी और भी म्यूजिक, तीफा के भी मैंने एक मैंने गाना किया था उसमें। अच्छा। जो अस्मा अब्बास जी का गाना था, और उसका बैकग्राउंड स्कोर भी मैंने किया। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त।